तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर आया हूँ जो सरायघाट का जहाँ पर युद्ध किया था, तो वही मेमोरियल पार्क बनाया है, तो यही पार्क में आया हूँ। तो सोचा था आप लोग को यहीं पर थोड़ा दिखाएंगे। तो यहाँ पर लसित बोरफुकन वही यहाँ पर मुगल को परास्त किया था, तो उसी का थोड़ा स्मृति पार्क बनाया है। तो ये वीर सेना का यहीं पर मूर्ति बनाए हैं, तो समझा है आप लोग को यहाँ पर दिखा के लेकर जाता हूँ क्योंकि आया है, तो आप लोग को दिखा देता हूँ। लेकिन ये पार्क ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, थोड़ा छोटा करके बनाए हैं क्योंकि स्मृति के लिए बना के रखा है। यही पार्क यूज़ किया था जो मुगल का सेना था, तो उसी का जो यूज़ किया था, यूज़ करके यहाँ पर यहाँ से हटाया था। तो इसका इस जगह का नाम है सरायघाट रोन। ये ज़्यादा लंबा सटा नहीं बनाया है, इतना ही बनाया है। तो आप लोग भी आ सकते हैं, जो सरायघाट का ब्रिज है तो उसका सामने ही ब्रिज पाने से पहले ये पार्क मिल। तो दोस्तों ये पार्क ज़्यादा लंबा सटा नहीं है, इतना ही है, आपको चारों तरफ घुमा के दिखाया है। तो आप लोग आ सकते हैं क्योंकि ये रोन केंद्र है जहाँ से मुगल सैनिक को यहाँ से भगाया था युद्ध करके। तो ये भी एक स्मृति है, बहुत बड़ा स्मृति है। लेकिन ये इतना अच्छा से नहीं बनाया है क्योंकि मेरा हिसाब से इसको बहुत अच्छा से बनाना चाहिए था, क्योंकि मुगल का सेना इतना तक ही आक्रमण किया था, गुवाहाटी तक नहीं पहुंच पाया था। ये जो लसित सेना है, वीर सेना है, उसने बहुत बड़ा एक वीर सेना था, उसके लिए हम सबको सैल्यूट देता हूँ। तो दोस्तों अभी आप लोग को दिखाने के लिए मन था, तो आप लोग देख के अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए छोटा भाई समझ के। तो यहाँ पर थोड़ा खेलने के लिए कुछ बच्चों को खेलने के लिए कुछ सामान वन बनाए हैं, झूलना बनाया है। तो थोड़ा ऊपर जाते हो, देखते हो ऊपर में और कैसा है देखने के लिए। यहाँ से आया था तो यहाँ पर इतना ही है। तो यहाँ पर अच्छा से सीढ़ी गुड़ी बनाया है, तो इतना ही ऊपर है, एक छोटा पहाड़ है तो उसका ऊपर ही बना के रखा था। तो अभी चारों तरफ इसी तरफ ब्रह्मपुत्र रिवर है जो असम का सबसे बड़ा नदी है, तो नदी है। और इसका ऊपर जाने के लिए कोई पे जगह है क्या नहीं है देखता हूँ, इसका ऊपर जगह है क्या, तो इसी का ऊपर भी जाता हूँ। तो इधर से भी जगह है, तो बहुत बड़ा पत्थर है, तो बहुत बड़ा पत्थर है ये, तो सबसे ऊपर ही आ गए हूँ, यही सबसे ऊपर है, इसका ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो इसी तरफ अभी आप जाएंगे तो ये रास्ता से इसी तरफ जाएंगे तो आप गुवाहाटी सिटी पे पहुंच जाएंगे, उसी तरफ जाएंगे तो नलमरी बरपेटा मोहेगा ये सब निकल जाएंगे। तो अभी मैंने गुवाहाटी पर जा रहा हूँ, और कुछ आपको देखना है तो कमेंट में बताइए, जो जो देखना है तो दिखा देंगे पूरा गुवाहाटी में क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों आज यही तक ख़त्म करता हूँ।